एक चार्ज पे 70 किलोमीटर की रेंज देगा। इसके अलावा एंटी थेफ्ट लाम, कीलेस ऑन ऑफ, दो लोग इजीली बैठ सकते हैं, डिजिटल मीटर, 3 मोड, 1000 वाट की इसके अंदर मोटर है, QS कंपनी की BLDC मोटर है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूं, जो कि मैंने EVN के रिव्यूज किए हैं, QS कंपनी जो है कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक ब्लॉगर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल। आज हम मौजूद हैं न्यू तारा खान ऑटोज लिटन रोड लाहौर पे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो आज मॉडल्स है, ये है EVN कंपनी का जॉय मॉडल, जो कि एक चार्ज पे आपको देगा 60 से 70 किलोमीटर तक की रेंज। इसके अलावा मैं आपको EVN का सबसे पहले बताता चलूं, EVN पाकिस्तान में न्यूली लॉन्च कंपनी है, जो कि बहुत ही कम अरसे में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक की दुनिया में उसने एक नाम बनाया है, एक पहचान बनाई है। और वाकई ही उसने सबसे पहले लेपर्ड्स मॉडल लॉन्च किया, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने परचेज किया। दूसरे नंबर पर प्रोंटो लॉन्च किया, तीसरे नंबर पर उन्होंने एक जॉय मॉडल लॉन्च किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर परचेज कर रहे हैं, और उनका यूज़र रिव्यू भी बहुत ही अच्छा है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम आपको कंप्लीट इसका रिव्यू करवाते हैं, इसके फीचर्स बताते हैं, एक एक चीज़ आपको बताएंगे, फिर आपने अपना माइंड बनाना है इसको परचेज करना है या नहीं परचेज करना, और फिर आपको बताएंगे बाकी कंपनियों से इसमें क्या यूनिकनेस है, क्या हटके है। सबसे पहले इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अगर मैं टायर की बात करूँ, इसका जो टायर है वो 10 इंच का है और ट्यूबलेस टायर है, पंक्चर होने का खतरा बिल्कुल नहीं है। अलायरम की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी मजबूत इसका अलायरम है, साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा फ्रंट साइड पे आपको जो है वो मड गार्ड देखने को मिलेगा, हैवी किस्म के इसके शौक हैं। फ्रंट साइड की अगर बात करूं मैं, फ्रंट साइड बहुत ही अच्छा है, ऐसे जैसे कोई मिनी ट्रक है, मिनी ट्रक की जो है इसको शेप दे दी गई है। फ्रंट साइड पे आपको EVN कंपनी का लोगो नज़र आएगा, ब्रांडिंग नज़र आएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसकी जो फ्रंट है वो डिस्क ब्रेक है। इसके अलावा फ्रंट साइड की अगर मैं बात करूँ, आपको लाइट देखने को मिलेगी, जैसे ही मैं इसकी लाइट जो है वो ऑन करता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये आपको फ्रंट पे DRL देखने को मिलेगी। इसके अलावा हैवी किस्म की इसकी जो है वो लाइट है, ये आप देख सकते हैं, इसकी थ्रो काफ़ी अच्छी है। ये अब मेन LED और जो है वो ऑन हो गई है। डैशबोर्ड की अगर बात करूँ तो आपको सबसे पहले डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, डिजिटल मीटर में आपको 3 से 4 फंक्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे आप इसको ऑन करते हैं, सबसे पहले नंबर आपको यहाँ पे 60 वोल्ट शो होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको जिस स्पीड पे आप जा रहे हैं यहाँ पे स्पीड शो होगी। ये 1 है, बेसिकली इसके 3 मोड्स हैं, तो आप फर्स्ट मोड में भी जा सकते हैं, सेकंड मोड में भी जा सकते हैं, थर्ड मोड में भी आप जहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बैटरी की स्ट्रेंथ शो होगी, मैं आपको लाइव दिखाता भी हूँ आप किस किस मोड में कैसे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बैटरी की स्ट्रेंथ भी शो होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको साथ 2 जो है वो रिमोट भी देखने को मिलेंगे, कीलेस ऑन ऑफ है, आप देख सकते हैं जी, रिमोट के साथ मैंने ऑन की है। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है वो हैंगर है, अगर आपने कुछ परचेज किया है, बैग वगैरह आपके पास यहाँ पे आप रख सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी मैंने मोबाइल रखा हुआ है, ये ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, USB पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसमें आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज लगा के यहाँ पे रख सकते हैं। अगर कोई आप इन ड्राइव ऊपर वगैरह पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं चार्जिंग लगा के। इसके अलावा अगर मैं सीट की बात करूँ तो सीट पे भी यहाँ पे 2 लोग इजीली बैठ सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ही मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं पीछे इनफ स्पेस है, यहाँ पे बच्चा भी बैठ सकता है, बड़ा भी बैठ सकते हैं, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं इजी होकर बैठा हूँ, जो है वो लेग स्पेस बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे किसी किस्म का मसला नहीं है। मेरी जो लेग्स हैं वो बाहर की तरफ शो हो रही होगी, बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल सिस्टम नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ। फिर भी मेरे पास जो है वो 2 बच्चे इजीली बैठ सकते हैं और बड़ा एक बिल्कुल बैठ सकता है इजीली। इसके अलावा यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे अगर कैमरा मैन दोबारा लेके आए, यहाँ पे 4 से 5 आपको फंक्शन देखने को मिलेंगे, लेफ्ट साइड इंडिकेटर, राइट साइड इंडिकेटर, जो वो लाइट है हाई लो हो जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो लाइट है फ्रंट और बैक लाइट यहाँ पे होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको पार्किंग मोड नज़र आएगा। अगर बैक साइड पर मैं बात करूँ, बैक साइड पर आपको टेक भी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा नीचे जाएँ तो इस पर जो टायर हैं वो ट्यूबलेस टायर हैं, 1000 वाट की इसके अंदर मोटर है, QS कंपनी की BLDC मोटर है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूं, जो कि मैंने EVN के रिव्यूज किए हैं, QS कंपनी जो है कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, चाइना की मोटर के लिहाज से मोटर उनकी बहुत ज़्यादा पायदार होती हैं। इसके अलावा अगर बैक ब्रेक की बात करूँ, ड्रम ब्रेक है इस बैक साइड की। ब्रांडिंग की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत शेप की इसकी जो है वो ब्रांडिंग है। बैक साइड के साइज़ की बात करूँ तो बैक साइड का साइज़ भी हैवी किस्म का है, यहाँ पे एक जो है वो आपको नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी और बैक साइड पे आपको लाइट भी देखने को मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी शेप की यहाँ पे जो है वो लाइट है। मैंने इसका कंप्लीट रिव्यू करवा दिया है आपको, जॉय मॉडल EVN का आप जॉय मॉडल, एक चार्ज पे 70 किलोमीटर की रेंज देगा। इसके अलावा एंटी थेफ्ट लाम, कीलेस ऑन ऑफ, 2 लोग इजीली बैठ सकते हैं, डिजिटल मीटर, 3 मोड,
और बहुत सारे फंक्शंस के साथ आपको ये मिलेगा 1,75,000 रुपए में। 1,75,000 रुपए में आप पूरे पाकिस्तान में इसको मंगवा सकते हैं। मंगवाने का जो मेथड है डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उसके ऊपर कार करके न्यू तारा खान ऑटोज लिटल रोड लाहौर इनसे ये डिमांड कर सकते हैं। इसके मजीद फीचर्स भी आप उनसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो पाक व्लॉगर्स को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।